अब ये वाला जो आलू है ना, ये डक लो जी दादा, वो दसो ना उन आलू सही ने पहले वेख के दसो इधर। और जी बीमारी थी कोरोना वायरस आई, वो ईरान है जी बड़ी फैल गई है, अच्छा जिंदी वजह तो बॉर्डर बंद हो गया। अगे जी मैं गल की कह रहे से मैं पहले को नेट पे गल चढ़ो बिना साथ दीजिए इना दी, अपन नेट पे चढ़ांगे ना, टेंशन नेट पे वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद पेंट। अज अहमद पेंट विच अहमद दी फसलां दे आलू तैयार हो चुके हैं। फाइनली फाइनली अज असी अपने आलूआं नू निकालांगे। ए वेख लो एक लाइन निकाली जा चुकी है, तो पिछे मशीन आलू निकाल रही है। अज दा व्लॉग बड़ा मजे वाला इंटरेस्टिंग होने वाला है, सारा देखिएगा प्लीज। और आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ट्रैक्टर के साथ ये मशीन आलू किस तरह जमीन से निकालती है, आलू के निकलने का मंजर भी दिखाया जाएगा। ये हमारे ड्राइवर हैं जी, जो ट्रैक्टर के जरिए आलू निकाल रहे हैं, और उन्होंने एक लाइन निकाल ली है, और इस खुशी में आप इनको मिठाई में खुरमे पेश किए जाएंगे। दसो ना साढ़े आलुओं की एवरेज किस तरह जा रही है, इधर दसो ना जरा। माशाल्लाह पूरे इलाके दे पीर गुलाम मोहम्मद वादू एवरेज चालू जे, साढ़े आलू बेहतरीन ने, बेहतरीन सब सुना। अब खुरमे खाओ तो मुंह मीठा करो ना, ये सारी आम नु खुरमे खवाओ आज, ओ खवाने तुसी आप खवाओ जे थोड़े का, तो आप और ले आवांगे ना, टेंशन लो बहुत पैसे ना, वेखो ना जेब विच पैसे टिकदे नहीं पे। अब माशाल्लाह ना तुम्हारे आलू सारे तो वादू है। चलो ठीक हो गया, हुन तुसी आलू कढ़ो, आप वीडियो बनाने आ। ये देखें जी, ये एकदम ताज़ा आलू है। ये जो लड़का साइड से आलू उठा रहा है, ये इसलिए उठा रहा है कि जब ट्रैक्टर इधर से गुजरेगा ना, तो आलू ट्रैक्टर के टायर के नीचे ना आ जाए। अच्छा, जब ज़मीन से आलू निकलते हैं ना, तो इनमें से कई आलू ऐसे होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ जानवरों की शेप्स बन जाती हैं, कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ों की शेप्स बन जाती है। अब जैसा कि ये मैंने एक आलू उठाया है, और ये अब किसी जानवर की तरह थोड़ा सा लग रहा है, ये इसका सर आ गया, ये टांगे होंगी, ये कोई मगरमच्छ टाइप कुछ जानवर मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सी शेप लग रही है जानवर की तरह। अब ये वाला जो आलू है ना, ये डक की शेप में दिख रहा है, डक की शेप में दिखाई दे रहा है। ये वाला आलू बिल्कुल बतख की तरह लग रहा है, देख सकते हैं आप। अब ये देखें ना, बाद वर्कर सफाई से आलू नहीं उठाते, ये भी आलू पड़े हुए हैं, ये कटा हुआ है, बल्कि इधर देखते, हाँ ये देखें, ये आलू पड़े हुए हैं। अब मैं इन आलुओं को उठा कर ना इधर फेंक दूँगा, इधर सामने, ताकि जब इधर से उठाए जाएंगे तो ये उनके साथ उठा लिए जाएँ। आलू निकालने के बाद इस तरह खेलियों के साइडों पर बोरियां बिछा दी जाती हैं, जिस तरह ये बिछा दी गई हैं आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसको इस तरह भर दिया जाता है, जिस तरह ये देख रहे हैं आलू जोड़े हैं बोरियों में। तो
और अब इस तरह लाकर बोरी में डाल दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। मैं कहाँ पे आ रहा? सही काम कितने है, मजे वाला काम है। और आप ये देख सकते हैं कि ट्रैक्टर खुद ब खुद ही चल रहा है, स्टीयरिंग पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, ऑटो स्टीयरिंग ट्रैक्टर पाकिस्तान में आ चुका है। वाह वाह मौजा ने मिया, क्या बात है, क्या बात है तेरी, बेहतरीन बढ़िया माहौल। लो जी दादा वो दसो ना आलू सही ने, पहले वेख के दसो इधर उची थोड़े जो कमजोर कट निकले फसल कट की नहीं, नहीं मैंने तो कल बड़ा अच्छा लग रहा, काफी बड़े बड़े आलू ने। जानवर की शक्ल अख्तियार कर लेंगे, कल मैं एक आलू वेखा बतख तरह लग रहा है, कोई मगरमच्छ तरह, कोई किवें हो जाते मिट्टी सख्त आ जाए तो आलू डिंगा चुबा हो जाए। अच्छा मिट्टी सख्त आ जाए तो आलू डिंगा चुबा हो जाता, सही है साड़ी आलू सही निकल रहे हैं। चलो अल्लाह करे, दुआ करे जी काफी अच्छा रेट लग जाएगा थे। लेकिन ये अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया जी, तू शायद आलू का रेट डिग सकता कहते हो सकता पर की पता। ओ जी बीमारी नहीं कोरोना वायरस आई ईरान है जी, बड़ी फैल गई है जिंदी वजह तो बॉर्डर बंद हो गया। चलो ठीक है जी, अल्लाह रहम करेगा। इसके बाद जी इस तरह बोरियों को उठाकर ट्राली में रखा जाता है, ये बोरी उठा ली गई। और अब इसको इस तरह ट्राली में जोड़ दिया जाएगा, और ये पहले से जोड़ी हुई बोरियाँ। अतरात की फड़े है आ कुंडा जा कुंडा एक ही वास्ते इंदने तोड़े जोड़ी दे। अच्छा इनके बोरी नु काबू करना है? हां जी बोरी किस तरह इंदे ना सुखया ही हो जंदी, सोखा थोड़ा जुड़दा है, सोखा जुड़दा है। हां जी इसके बाद जब इस तरह बोरियों को उठाकर इस तरह ट्राली में रखा जाता है, आ कुंडे ना किवें जोड़ना उन खा खा। अच्छा ये फड़ के लग गई समझ, यानी कुंडे ना कुंडे नु बोरी दे विच पा के ते इथे जोड़ दित्ती जाईदा, चक लेना। ठीक हो गया, ठीक लगदा है, इवें सही चुकिंदा है। हां जी दोबारा की करे, हाथ नहीं थकदे इवें? हां जी ठीक। इससे पहले एक ट्राली आलू की बोरियों की भरी हुई हमारे स्टोर में जा चुकी है, अब ये दूसरी ट्राली भरी जा रही है माशाल्लाह। जब ट्राली भरी हुई आलू की बोरियों की हमारे स्टोर में पहुंचती है तो इन बोरियों को इस तरह दोबारा खाली कर दिया जाता है, ढेरी लगा दी जाती है इनकी, ये एक ढेरी लगा दी गई है और इसके ऊपर पराली बिछा दी गई है। और ये हमारा स्टोर चेक करें पूरा, और ये एक ढेरी के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम। ओए हाँ भी पल्लेदारो आलू बाबा ने सोने सोने बेहतरीन ने बेहतरीन वीआईपी आलू अवेले मैं तिलकू इथे ओए आ देख ले ओए इथे टुरे नहीं आंदा बे आलू ते वीआईपी आलू है वीआईपी आलू वीआईपी आलू सोना आलू एक अंदाजा ना दसो कितनी गड्डियां हो जानियां चार गड़ियां हो जाएगी। हाँ, इनकी जवान का तजर्बा ठीक है मेरे हिसाब।
ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੈਟ ਤੇ ਗੱਲ ਚਾੜੋ ਬਿਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜਾਂਗੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਆ ਸੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਵਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਐਸ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 120 ਕਿਲੋ ਕੀ ਇੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੋਰੀ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 100 ਬੋਰੀਆਂ ਹੋ ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਯੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਲੂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪ ਪਲਾਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਯੇ 2 ਏਕੜ ਹੋ ਗਏ ਆਧਾ ਏਕੜ ਯੇ ਵਾਲਾ 28 ਔਰ 1 ਏਕੜ ਯੇ ਵਾਲਾ ਔਰ 1 ਇਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਯੇ 4.5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪਰ ਹਮਨੇ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਏ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪ ਯੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਯੇ ਵਾਲੇ 2 ਔਰ ਯੇ ਆਧਾ ਔਰ ਇਸ ਏਕੜ ਕਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਿੱਸਾ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਥੇ ਔਰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਏਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਏਕੜ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਯੇ 4.5 ਏਕੜ ਆਲੂ ਹਮਨੇ ਸਮੇਟ ਲੀਏ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹਲ ਚਲਾ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਹਲ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਆਲੂ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਉਸ ਉਨ ਆਲੂਓਂ ਕੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਆ ਕੇ ਉਠਾ ਲੇ ਆਪਣੇ ਲੀਏ ਤੋ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਂ ਯੇ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਆਲੂ ਕੀ ਫਸਲ ਹੈ ਯੇ ਨਵੰਬਰ ਮੇਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕਾ ਜਬ ਠੀਕ ਪੱਕਣੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆਤਾ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਨਿਕਲਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਵੋ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਕੇ ਲਾਸਟ ਮੇਂ ਔਰ ਮਾਰਚ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਵਰੀ ਕੇ ਲਾਸਟ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂਓਂ ਕੋ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂਓਂ ਕੀ ਪਟਾਈ ਜਨਵਰੀ ਮੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਥਾ ਔਰ ਆਲੂ ਕੀ ਕੱਚੀ ਪਟਾਈ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਕੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਔਰ ਜਬ ਹਮਨੇ ਆਲੂ ਕੀ ਫਸਲ ਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਥਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਕੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਬ ਆਲੂ ਕੀ ਫਸਲ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਨੇ ਕੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਂਗੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਕਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਬਲਕਿ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਕਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਦਬਾ ਦੇ ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਅਹਿਮਦ